हर हर महादेव। दर्शकों, आज के वीडियो में हम शिव जी के डमरू, त्रिशूल और नाग के बारे में जानकारी देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बातें करते हैं शिव जी के त्रिशूल की। कैसे मिला उनको त्रिशूल? भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है, जिसमें धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता महादेव ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किए थे और सबसे पहले उसी का प्रयोग किए थे। लेकिन भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहाँ से आया? शिव पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ तीन गुण जो कि रस, तम और सत भी प्रकट हुए। यही तीन गुण शिव जी के शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव जी ने इन तीनों गुणों को अपने हाथ में बांध कर रखा। यही तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। अभी अजानते हैं कि भगवान शिव जी के हाथों में आखिर डमरू कहाँ से आया। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी बीड़ा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सूर्या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत है, जैसे जैसे पास आते हैं कम होता जाता है। अब जानते हैं शिव जी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है उसका नाम वासुकी है और शिव स्रोत में कहा जाता है कि नाग नागों के राजा हैं और पूरे नाग लोक पर इसका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग करके मंथन हुआ था। कहते हैं वासुकी शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर अपने नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें गले में एक आभूषण बनाकर धारण कर लिए। इस प्रकार से शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए।